प्रयागराज जनपद के यमुना पार इलाके के PPGCL पावर प्लांट 12 में 80 फीट ऊंची बायल से एक मजदूर की गिरकर मौत की घटना से साथी मजदूरों ने हंगामा करते हुए आक्रोश व्याप्त किया, जिससे मजदूरों ने प्लांट के मेन गेट को बंद करके काम को बंद करके डेड बॉडी के साथ प्लांट के अंदर बैठकर धरने बैठ गए। जानकारी के अनुसार प्रयागराज जनपद के यमुना पार इलाके के 12 क्षेत्र में प्रयागराज पावर जनरेशन प्राइवेट लिमिटेड टाटा ग्रुप द्वारा पावर प्लांट संचालित किया जा रहा है। इसी पावर प्लांट में लगभग 15 दिनों से बायलर नंबर 1 पर ब्रेक डाउन करके बायलर की रिपेयरिंग बाहर से आए हुए मजदूरों द्वारा सर्विसिंग की जा रही है। इसी बायलर में भगवान दास नामक मजदूर जो कि सोनभद्र जिले का रहने वाला था वो भी काम कर रहा था, जो कल 80 फीट की ऊंचाई पर काम करते हुए गिर गया, जिससे भगवान दास की मौत हो गई। सूत्रों से क्या घटना थी जो आप लोगों ने आज PPGCL पावर प्लांट को गेट बंद करके रखा? देखिए, हम लोगों को विश्वस्त सूत्रों से ये जानकारी हुई कि इस कंपनी के अंदर एक कार्यकर्ता जो कि हिंदू है उसकी कतिपय कारणों से मौत हो गई, और किन कारणों से मरा तो मुझे हम लोगों को ये जानकारी हुई कि कंपनी के लोग जैसे विगत वर्षों में उन्होंने किया है तो उसकी मौत को छिपा लेने की बात चल रही थी, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर आके घेरा किया और यहाँ के गेट की बंदी की, जिससे कि कर्मचारी को न्याय मिल सके और उसके साथ किसी प्रकार की हेराफेरी न हो सके। जैसा कि यहाँ के ही मजदूरों द्वारा या सूत्रों द्वारा पता चला, आए दिन ऐसी घटना होती है, कुछ घटना तो पता चल जाती है, जो घटना नहीं पता चलती उसकी डेड बॉडी को गायब कर दिया जाता है, इसमें आपका संगठन क्या करेगा? देखिए, ऐसा हमेशा होता रहा है और विगत वर्षों में भी जिस बात की जानकारी हम लोगों को हो जाती है हम लोग आते हैं और कर्मचारियों के हित की लड़ाई लड़ते हैं और उनको उनका हक दिलाने का पूरा प्रयास करते हैं। आइंदा भी आगे भी चल के अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं और यहाँ का जो कंपनी है और कंपनी का जो संगठन है अगर किसी भी तरीके से कर्मचारियों को उत्पीड़ित करने का प्रयास करेगा या किसी मृत व्यक्ति को हेरा फेरी या छिपाने की बात करेगा तो हम उठ खड़े होंगे और उसके हित के लिए लड़ेंगे। आज की घटना में लास्ट में क्या निर्णय प्रशासन ने लिया? अभी लगभग 3.5-4 घंटे और 5 घंटे के गेटबंदी के बाद प्रशासन और कंपनी के लोगों के बीच हम लोगों के बीच में एक निर्णय हुआ। उन्होंने कर्मचारी मृत कर्मचारी को उसके परिजनों को 15 लाख रुपए नगद और उसके घर के एक व्यक्ति को टाटा में रेगुलर नौकरी देने की बात कही है। इसके बाद जो मृत कर्मचारी है, क्योंकि जैसा कि नियम है उसका जो है किन कारणों से मृत्यु हुई ये भी हम जानना चाहते हैं, इसलिए उसका पोस्टमार्टम होगा और पोस्टमार्टम के बाद ये पता चलेगा कि कैसे उसकी मृत्यु हुई। और फिर यही कंपनी के लोगों से बात हुई है, वो उनको ले जाएंगे और उनके घर तक पहुंचाएंगे वो जहाँ का है और वहाँ पर उनके अंत्येष्टि की क्रिया की भी उन्होंने जिम्मेदारी ली है। जैसे कि कंपनी की ये तानाशाही कब तक चलती रहेगी? कंपनी की तानाशाही ये तब तक चलती रहेगी जब तक कंपनी के कर्मचारी खुद उठ खड़े नहीं होते, और इनको उठ खड़ा होना होगा और इन कंपनी के जो लोग हैं इनको कर्मचारियों के हित में मृत कर्मचारियों के लिए एक निश्चित नियमावली बनानी चाहिए कि मरे हुए कर्मचारियों के साथ इनको क्या करना चाहिए। ये जो 15 लाख रुपए इन्होंने इतने संघर्ष के बाद दिया है इसको भी हम कम मानते हैं। हमारा ये मानना है कि जब कोई यहाँ का कर्मचारी मर जाए तो कम से कम उसके परिजनों को 50 लाख रुपए दिया जाए और उसके घर के लोगों को रेगुलर नौकरी दी जाए। आपका नाम और परिचय? मेरा नाम चंद्रधान पांडे है, मैं इस यमुना पार जिले का जिला अध्यक्ष हूँ सिंधु परिषद। आज की क्या घटना थी? घटना का पता भी सिंधु परिषद और समस्त हिंदू कार्यकर्ताओं को पता लगा कि कोई मजदूर गिर करके मर गया है कंपनी में, और ऐसा हल्ला हुआ कि उसको कुछ दूसरे ढंग से कंपनी वालों की नियुक्ति की जाती वो दफनाने आदि की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अधिकारियों के आने पे समस्त यहाँ के मजदूर बंधु और पदाधिकारी बंधु विष्णु परिषद के जिला अध्यक्ष महोदय चंद्रधान पांडे जी, जिला उपाध्यक्ष मनोज जी, विनय जी, जिला गौरक्षा अध्यक्ष, जिला गौरक्षा प्रमुख विजय पांडे, आज सब लोगों ने और आदर्श जी, धर्मेंद्र जी, ऐसे ऐसे सब पदाधिकारी आए और बातें इसका जो है समझौता हुआ। उस मजदूर को इन लोगों ने 15 लाख रुपए, उसके घर वाले को नौकरी और विधवा के लिए जो भी व्यवस्थाएं करने के लिए लिखा है, पोस्टमार्टम के बाद लाश उनके घर तक पहुंचाने की बात, पोस्टमार्टम करने के बाद घर तक उनके लाश पहुंचवाने और दफन आदि की सारी व्यवस्था करने के लिए अधिकारियों से बात हुई, जिसमें चंद्रधार पांडे जी जिला अध्यक्ष। आपका परिचय? जिला गौरक्षा प्रमुख प्रयागराज विष्णु परिषद। नाम? विजय शंकर पांडे।